तो इसी के साथ रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब घर जाइए, भगवान छुट्टी पे। हे भगवान, मेरी मियो की रक्षा करना, और वो जिस किसी काम के लिए गई है उसमें उसे कामयाबी मिले। ये कर क्या रहे हो मेरे साथ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और लड़कियों की तरह आपके व्रत नहीं रखती, रोज सुबह उठते ही आपका नाम नहीं लेती? क्यों लू, विश्वास तो पहले ही तोड़ा है ना मेरा, जो मुझसे मेरी बिट्टू को छीन रहे हो। एक बेटी अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करना चाह रही है। बीच में आना जरूरी है क्या? हेलो, नाम दाता ठाकुर। खुश रहो, बोलो। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं। नहीं का है, बात जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। कोई इंसान को जमीन और जायदाद अपने जान से प्यारा हो सकत है का? अरे बाबूजी, हम रात तो सारे ना फड़ाके मार रहा है। क्या भाई जाकर वो भैया के मुंह लगे पृथ्वी का सीना में हाथ डालकर
सीना फाड़ के दो टुकड़े कर दे उसके। और हाँ, वो लौंडिया, बाबू जी वो लौंडिया के तो हम आपको कह रहे चार टुकड़े करेंगे, चार। पूरा गांव भर माँ फिर कर हमारी इज्जत उछाल रही है। दूध पी दूध, एमा ठंडाई मिलाई है तोरा दिमाग ठंडा रखने के लिए। ऐसा सोचियो भी मत जो तूने पृथ्वी के सामने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो पृथ्वी तेरी हाथ में इतनी ताकत भी नहीं रहने देगा कि तू अपने कुर्ते का बटन भी बंद कर सके। अरे यार नहीं, तो आप बताओ क्या करें? हाँ क्या करें? अपने आदमियों की तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाएगा? हम ऐसा तो नहीं बोले। नहीं तो कब? तू जानता है इस परिवार का इज्जत हमरे लिए क्या मायने रखता है। इस परिवार की इज्जत के लिए हम अपना चिता भी जला सकते हैं और दुश्मनों का भी। तुझे जो उस लड़की को सजा देनी हो तो दे ना, पर पृथ्वी के सामने नहीं, पृथ्वी की पीठ पीछे। अब कैसन करना है, कैसे होगा वो हम। पायला की ठकराई। राम राम सुरे ठाकुर। क्या हो गया बे? ठाकुर द्रुपद का संदेशा लेके आए हैं, हवेली पर रामचरितमानस का पाठ रखाए हैं, आप सबको बुलाया है, पधारिएगा जरूर। क्या सोच रही है बाबू जी? कछु नहीं, बस हमरे राम जी ने राह दिखा दी। राम जी ने हाँ बाबू जी भाऊजी, भाऊजी आप तो मां। घंटी का दिए बजाने को बजाई जाते हैं, एक दिन वो घंटी गलामा उतार देंगे। ये लीजिए आपकी बेटी के शादी के कार्ड। वाह मियू, हेलो बिट्टू। अरे बिट्टू गई भाड़ में, तू कहाँ है मियू? कल से तुझे फोन करी हूँ, तेरा फोन बंद आ रहा है। बिट्टू वो फोन चार्ज नहीं कर पा रही थी। मोबाइल चार्ज नहीं था? अरे जंगल में रह रही है क्या तू? आई डोंट केयर, अब बहुत हो चुका। आई वॉन्ट यू बैक हियर नाउ, पहली फ्लाइट ले और वापस आ बस। नहीं बिट्टू अभी मैं नहीं आ सकती, मुझे एक दो दिन और लगेगा। अरे मियू तो पागल हो गई है क्या? और ऐसा क्या काम है तेरा, यहाँ आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? है बिट्टू, बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। यू तेरी शादी के कार्ड छप कर आ चुके हैं,
सकती है। अरे कितना कुछ करना है, क्या क्या सोचा है मैंने। तुझे क्या अपने मम्मा के सपनों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? बहुत है मम्मा, बहुत है, तुम सोच भी नहीं सकती, इतनी परवाह है मुझे तुम्हारे सपनों। अच्छा ठीक है, अब रोंदड़ू सी आवाज में ना बोल मत, जल्दी आ जा बस। आई प्रॉमिस बिट्टू, मैं जितनी जल्दी आ सकूं यहां से लौट आऊंगी। नियो, ये पीछे गाय की क्या आवाज आ रही है? मुझे दीजिए फोन, मैं डांटता हूं उसे, मैं देखता हूं, आपकी तरफ से इसे मैं डांटूंगा। ओके हेलो आकाश, भाड़ में गया आकाश। मियो तुम कहां हो यार? तुम्हें पता है तुम्हारे आकाश को अब छुपने के लिए पाताल में जगह ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हें पता है सासू मां मुंबई आने वाली थी, मैंने उन्हें रोका अपनी बीमारी का बहाना बना के। मुझे उनकी सेवा करनी थी लेकिन अब उन्हें मेरी सेवा करनी पड़ रही और सब तुम्हारी वजह से। ओके आकाश, वो मैं, देखो अब मैं तुम कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। आकाश मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे 2-3 दिन और लगेंगे, तुम वहां प्लीज संभाल लो। मियू समझो यार, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज, अब इतने प्यार से प्लीज बोलोगी तो दुनिया संभाल लूंगा, लेकिन तुम जल्दी आओ यार, आई एम मिसिंग यू लाइक हेल। मिस यू टू। अच्छा अब मैं रखती हूँ। हाँ ओके बाय। आओ 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 आओ, क्या लो नाश्ता कर। पंडित अंकल मैं नहाई नहीं हूँ, बहुत चिपचिप सा हो रहा है, यहाँ कहीं नहाने का अरेंजमेंट हो सकता है क्या? आई मीन आपका बाथरूम कहाँ है? बाथरूम मसल खाना चुनवाने को कह रही है तुमको, अब भगवान की भक्ति छोड़ के मजदूर बन जाओ पंडित। देखो मैंने तुमसे नहीं पूछा। हाँ हाँ हाँ, तो हम भी पंडित से ही बतिया रहे। देखो बतिया, बात ये है कि हम तो मंदिर के पीछे कुआं है, वहीं जाके नहा ले थे, अब क्या बताई। हाँ देखो ऐसा करो कि तुम गाड़ी पकड़ो और दिल्ली निकल लो, वहाँ अपने महल में आराम से नहा लेना। और ये भी पंडित तुमसे ही कह रहे हैं, कोई बीच में ना फूद के। पंडित अंकल मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? हाँ काहे नहीं, हम अभी लाई थे। कर नहीं है तुमरे, कहा ना हुआ है, निकाल सकते हो तो खुद निकाल लो। अरे हम तुमसे ही कह रहे हैं। क्यों पंडित? हाँ जाओ 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 जाओ। ये उकरे लिए लाए हैं भाई। हाँ हाँ। अरे ओ पंडित, लड़की देखी फिसल गए। अब बकवास करो तो तुम।
वो कहीं गिर ना पड़े। प्रसाद बोलो तुमरे भगवान को, गिर जाए दाता को जवाब भी ना देना पड़े, तब ही खत्म हो जाए इसका। कैसी बातें करत हो तुम्हें? हम जा रहे हैं। बहुत तनाव इस रीढ़ की हड्डी में, ना चुप नहीं दो, बता तो चले शहरी मक्खी को, गांव में भिंदनाना इतना आसान ना है। दिमाग चलत है लड़की का है? बात कही तुमने? जब देखो तब बातें करी।